नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस सुविधा बंद। इकलौते नेफ्रोलॉजिस्ट के इस्तीफे के बाद हालात खराब। व्यवस्था बनाने में प्रबंधन नाकाम। एमपी के पहले सर्व सुविधायुक्त रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस सुविधा लगभग बंद हो गई है। इसके चलते हर दिन मरीज मायूस होकर लौट रहे हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग के इकलौते विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन द्विवेदी के इस्तीफा देने के 3 दिन बाद भी अस्पताल प्रबंधन कोई व्यवस्था नहीं बना सका है। आश्चर्य की बात तो यह है कि डॉक्टर द्विवेदी ने जब 1 माह पहले ही इस्तीफे की जानकारी दे दी थी, तब अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। प्रबंधन की इस लापरवाही का खामियाजा अब विंध्य के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। विंध्य क्षेत्र से किडनी की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में मरीज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हर दिन आते हैं। इतने बड़े अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं होने से उनकी जांच नहीं हो पा रही है, साथ ही डायलिसिस की सुविधा भी प्रभावित हो गई है। रीवा के साथ ही आसपास के दूसरे जिलों से लोग हर दिन डायलिसिस के लिए यहां आते हैं। 35 से 40 लोगों का डायलिसिस किया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर के नहीं रहने पर यह सुविधा भी बंद है। डॉक्टर रोहन द्विवेदी किडनी रोग विभाग के इकलौते चिकित्सा विशेषज्ञ थे। वे एक साथ 3 विभाग संभालते थे। इसमें ICU वार्ड के साथ डायलिसिस की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। बताया गया है कि डॉक्टर द्विवेदी रात में भी आकर डायलिसिस करने से कभी गुरेज नहीं करते थे। उनके चले जाने से विभाग के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। वहीं मरीजों में भी मायूसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।